जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, चैप्टर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट इट्स लोकेशन। इट इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो, बट हम सारी चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे। सो पहले हम बात करते हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में। इंडिया जो है मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया के जो मेन लैंड हैं वो एक्सटेंड्स हैं लैटिट्यूड्स और उनके डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स में। लैटिट्यूड्स हैं उसके 8° 4' नॉर्थ एंड 37° 6' नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं उसके 68° 7' ईस्ट एंड 97° 25' ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23° 30' नॉर्थ, विच डिवाइड्स इंडिया इंटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज कि लैटिट्यूड्स कितने क्या हैं उसके, लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, और इंडिया को कौन टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आपके आइलैंड्स हैं मेनली, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दे आर लाइंग इन द बे ऑफ बंगाल, एंड लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी। नाउ विल डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। इंडिया का जो आपका टोटल एरिया है, लैंडमास है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, रिमेंबर इट। और इंडिया का जो टोटल एरिया है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ इंडिया टोटल एरिया इज़ 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो 2.4% आता है वो इंडिया का एरिया है, बट वैसे इंडिया का जो टोटल एरिया है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया वर्ल्ड की 7th largest country है एंड 2nd most populous country भी है। इसकी जो लैंड बाउंड्रीज हैं वो हैं अराउंड 15,200 किलोमीटर, विथ टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन दैट इज 7516.6 किलोमीटर। इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है वो काफ़ी स्मॉल है नॉर्थ साउथ एक्सटेंड से। इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 82° 30' ईस्ट है, विच पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी। ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है जो कि मिर्ज़ापुर से इसकी लाइन पास होती है, दैट इज एंड मिर्ज़ापुर लाइज इन यूपी। इंडिया जो है वो 7th largest country है, तो उससे जो बिगर कंट्रीज हैं, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, दैट इज़ रशिया, कैनेडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड आफ्टर इट इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो साउथ सेंट्रल पार्ट है जो हमारा, बिकॉज इंडिया एशिया में आता है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, तो उसके साउथ सेंट्रल पार्ट में लोकेट है। जो ओशियन है हमारा इंडिया का, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन, दैट इज़ इन साउथ ऑफ इंडिया, एंड इट गॉट इट्स नेम इंडियन ओशियन बिकॉज एज नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। किसी भी कंट्री की इतनी लॉन्ग कोस्ट लाइन नहीं है जितनी कि इंडियन ओशियन की, मीन्स जितनी कि इंडिया में है। जो लैंड रूट्स हैं इंडिया के वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं सी रूट से, और पहले के टाइम पे, मीन्स एंशियंट टाइम्स में, लैंड रूट्स काफ़ी हेल्प करते थे इंडिया में लोगों की, जो लोग दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड एक्सचेंज देयर आइडियाज़ एंड कॉमोडिटीज़ मीन्स गुड्स, सामान को एक्सचेंज करते थे, तो लैंड रूट्स उनकी काफ़ी हेल्प करते थे बिकॉज लैंड रूट्स में वो काफ़ी ज़्यादा ओल्डर हैं सी रूट से। सुइस कैनाल की ओपनिंग से, जब से सुइस कैनाल स्टार्ट हुआ है 1869 में, तब से इंडिया का जो डिस्टेंस है यूरोप से वो 7,000 किलोमीटर कम हो गया है। सो रिमेंबर द ईयर and the distance. Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर. 1947 से पहले इंडिया में दो टाइप के स्टेट्स थे, एक थे प्रोविंसेस और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। सो अब प्रोविंसेस कौन से थे? प्रोविंसेस वो थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिसर्स के कंट्रोल में थे, और उसमें वो वाइसरॉयज को अपॉइंट करते थे, मीन्स उनके जो स्टेट के जो हेड होते थे उस एरिया के वो वाइसरॉय होते थे। सो वो प्रोविंसेस थे।
और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो मेनली वहाँ पे लोकल रूलर या फिर हेरिडिटरी रूलर्स होते थे और वो उस पर रूल करते थे, बट इट वॉज बिफोर ओनली 1947, उसके बाद ऐसा नहीं था। नाउ इट्स नेबर्स, इंडिया इज कंप्राइज ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, पहले आपको पता होगा हमारे पास 29 स्टेट्स थे और 7 यूटी थी, मीन्स 7 यूनियन टेरिटरीज थी, बट अब हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। मे बी यू आर कन्फ्यूज्ड हियर बिकॉज हो सकता है आपको ऐसा पता हो कि हमारे पास 9 यूटीज हो गई थी, बिकॉज हमारे पास पहले 7 थी, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऐड हुआ तो हमारे पास 9 हो गई थी, बट जो दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली आपके 2 यूटीज थे वो दोनों मर्ज हो चुके हैं, इसलिए वो अब एक ही यूटी हम उसको काउंट करते हैं, सो दैट्स वाई वी हैव 8 यूटीज। ओके, पहले दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव 2 अलग अलग सेपरेट यूटीज थी, बट नाउ दे आर मर्ज्ड, सो दैट्स वाई वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। और 28 स्टेट्स क्यों हैं ये आपको पता है, बिकॉज पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर भी काउंट होता था, बट नाउ जम्मू कश्मीर इज़ अ यूटी। सो इंडिया इज़ कंप्राइज ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, और वो अपनी लैंड बाउंड्रीज कैसे शेयर करता है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, नॉर्थ में चाइना नेपाल भूटान, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश, और साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स। नाउ श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका इंडिया से सेपरेट होता है पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू, जो नैरो चैनल ऑफ सी बनाया गया है उससे वो सेपरेट होता है। द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट इज अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंस टू लार्जर सीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाल्क स्ट्रेट और व्हाट इज पाल्क स्ट्रेट? Palk Strait, it is a strait between the Tamil Nadu state of India and the Mannar district of the northern province of the island nation of Sri Lanka. It connects the Bay of Bengal in the northeast with the Palk Bay in the southwest. और जो हमारा Gulf of Mannar की बात करते हैं, Gulf of Mannar जो है वो एक large shallow bay that is forming part of the Laccadive Sea in the Indian Ocean. It lies between the southeastern tip of India and the west coast of Sri Lanka in the Coromandel Coast region, that is Gulf of Mannar. Maldives Island, that is situated to the south of the Lakshadweep Island. Lakshadweep Island ka jo south part hai, wahan pe Maldives Islands hai aapke. अब पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक पीस ऑफ लैंड होता है जिसके 3 साइड्स जो होते हैं वो वाटर होता है, बट उसका एक पार्ट जो है वो मेन लैंड से कनेक्ट होना चाहिए, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। सो रिमेंबर इट, पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ बॉर्डर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स बट कनेक्टेड टू मेन लैंड ऑन 1 साइड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, इट इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर, बट रिमेंबर ऑल द थिंग्स कि वॉट इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वॉट आर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर, नेबरिंग कंट्रीज, श्रीलंका इज हाउ श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, और मैनी थिंग्स आर देयर टू लर्न, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मैनी यूटीज आर देयर, द पोजिशन ऑफ इंडिया, इन विच कॉन्टिनेंट इट इज़, एंड मैनी क्वेश्चन आर देयर। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, द ईयर ऑफ स्विस कैनाल, द ओपनिंग ईयर ऑफ स्विस कैनाल, द डिस्टेंस दैट वॉज रिड्यूस्ड, सो remember all these things and prepare your notes on the basis of today's lecture and send it to me by 3:50 p.m. today. Thank you.